भारत में खेती और किसानी के मर्ज कई हैं, लेकिन इलाज क्या हो इस पे अलग अलग लोगों की अलग अलग राय है। बीज, खाद, ट्रैक्टर और दूसरे ऊंची उन्नत तकनीक, इन सब के योग से एक अच्छी खेती हो सकती है, लेकिन जब किसान छोटा हो और कम इन्वेस्टमेंट करने की स्थिति में हो, ऐसे में उच्च तकनीक ही उसका सबसे बड़ा सहारा बन सकती है। नाम से ही समझ में आ जाता है कि खेती से जुड़ी सूचनाओं, तकनीक और उत्पाद के बारे में यहाँ जानकारी मिल सकती है। स्टार्टअप एग्री हब के संस्थापक राजीव रॉय ने नेटशेड, पॉली हाउस और ग्रीन हाउस के अलावा ड्रिप इरिगेशन, स्प्रिंकलर और मल्चिंग जैसे लोकप्रिय तकनीकों में भी बारीकी से काम किया है और किसानों को अलग अलग मौसम और अलग अलग फसलों के लिहाज से अलग अलग मल्चिंग का इस्तेमाल करना सिखा रहे हैं। यहाँ तक कि वे मल्चिंग के लिए इस्तेमाल होने वाली प्लास्टिक को आजमाने के सीधे और सरल तरीके भी बताते हैं। अगर हमने अनार की खेती करनी है तो उसके अंदर हम एंटी हेलनेट लगाते हैं और स्ट्रक्चर अलग होता है। अगर हमने केले की खेती करनी है तो उसके अंदर ऐसा नेट लगेगा जो कि पानी के एवापोरेशन को रोके और हवा से जो है केले के डैमेज को रोके। अगर हमने सब्जी की खेती करनी है तो उसके लिए हमें वाइट कलर का नेट इस्तेमाल करना चाहिए। अगर हमने तापमान घटाना है किसी जगह पे तो उसके लिए हमको रिफ्लेक्टिव नेट का इस्तेमाल करना चाहिए। तो अलग अलग जगह के हिसाब से और अलग अलग फसल के हिसाब से नेट के इस्तेमाल का तरीका बदल जाएगा। वो अभी समर सीजन में व्हाइट मंचिंग अच्छा है और प्लांटिंग होने के लिए व्हाइट मंचिंग अच्छा है। इसमें प्लांटिंग बराबर नहीं होता, प्लांटिंग वेस्ट होती है इसमें। तो ये दोनों साथ लगाया था आपने? हाँ, साथ लगाया। तो अभी क्या दिख रहा है, कहाँ ज़्यादा फल किधर आया है? अभी ये व्हाइट मंचिंग में फ्रूट जल्दी आ गया, एक 10 दिन पहले आ गया, इसमें 10 दिन पीछे हो गया। और इसमें वो व्हाइट मंचिंग में क्या होती है, बरसात नहीं रहे टाइम पे ग्रोथ अच्छा था, इसमें ग्रोथ कम था। रॉय ने किसानों और कृषि तकनीक की सूचनाओं के बीच की दूरी कम करने के लिए एग्री हब नाम के इस नए स्टार्टअप की शुरुआत की है, जिससे उन्हें उम्मीद है कि किसानों की जिंदगी बदली जा सकती है। देखिए, यह समस्या ये है कि दुनिया में कई सारी नई टेक्नोलॉजीज हैं जो कि हमारे किसानों तक पहुँचती नहीं और उनको पता ही नहीं चलता। दूसरा, कई ऐसे बिजनेसमैन हैं जिनको कोई नया सामान खोजना होता तो उनको ये नहीं पता चलता कि कहाँ पे मिलता है। तीसरी, यह समस्या है कि अगर मैं एक शहर में बैठा हूँ तो मेरे बाजू में नया क्या हो रहा है मुझे पता नहीं चलता। इन सब समस्याओं का एक ही समाधान हमने सोचा कि theagrihub.com, जिसके अंदर कि आप सर्च पे जाओ और एक बटन के अंदर आपको सारे इन्फॉर्मेशन आपके बाजू में क्या है मिल जाएगा। जिस तरह से खेती होती है उस ढंग से आप खोज कर सकते हैं theagrihub.com के ऊपर कि आपको किस सामान की ज़रूरत है, नया सामान क्या है, नई टेक्नोलॉजी क्या है, हर एक चीज़ की जानकारी एक ही जगह पर देने के लिए हमने ये सोचा। रॉय जैसे उद्यमी दरअसल किसानों के लिए चलाई जा रही सरकारी योजनाओं को प्रभावी तरीके से लागू करने का सक्षम माध्यम भी बन रहे हैं। कृषि क्षेत्र में लंबे समय से काम कर रहे विशेषज्ञों का मानना है कि निजी क्षेत्र की सक्रियता ही सरकारी नीतियों का सही तरीके से क्रियान्वयन करने का सफल माध्यम बन सकती है। प्राइवेट सेक्टर को ही इसे करना है, क्योंकि गवर्नमेंट स्कीम बना सकती है, गवर्नमेंट सब्सिडी दे सकती है, लेकिन गवर्नमेंट इन चीज़ों को लगा नहीं सकती। जो टेक्नोलॉजी है वो बहुत सी टेक्नोलॉजी इंडिया में भी है, बहुत सी बाहर से भी आती है। और प्राइवेट सेक्टर, अगर एग्रीकल्चर प्राइवेट सेक्टर में है, जो आदमी लगा रहा है वो प्राइवेट आदमी है, किसान प्राइवेट है, तो उसको सपोर्ट सिस्टम भी प्राइवेट ही होना पड़ेगा। गवर्नमेंट इनेबलर हो सकता है, गवर्नमेंट सपोर्ट सिस्टम कर सकता है, फैसिलिटेट कर सकता है, लेकिन इसको करना प्राइवेट सेक्टर में ही है, तभी किसान को उसकी फसल का उचित मूल्य मिलेगा और किसान को सही टेक्नोलॉजी मिलेगी। द एग्री हब के जरिए एक ऐसा सर्च इंजन तैयार करने की योजना है जहां किसानों को अपनी जरूरत के हर उत्पाद से जुड़ी जानकारी एक साथ मिल सके। अपने दो साथियों सिद्धार्थ और अभिषेक के साथ रॉय ने कृषि क्षेत्र से जुड़े 22 सालों के अपने कारोबारी अनुभव का फायदा उठाते हुए पहले ही करीब 3,500 उत्पादकों को अपने प्लेटफॉर्म से जोड़ लिया है। अभी तक हमारे पास बीज, खाद और हाईटेक एग्रीकल्चर में हमने काफ़ी काम किया है। बीज में हमारे पास वेजिटेबल से लेकर फ्रूट से लेकर सारे के सारे बीज हैं। उसके बाद खाद में हमारे पास सॉल्युबल, इनसॉल्युबल फर्टिलाइजर्स भी है। और हाईटेक एग्रीकल्चर में हमने स्पेसिफिकली फोकस किया है पॉली हाउस, ग्रीन हाउस और नेट हाउस पे और उसके इक्विपमेंट्स पे। यही एग्री हब का बिजनेस मॉडल भी है, जिसमें तकनीक के साथ गाँव के किराना दुकानों को भी किसानों तक पहुँचने का माध्यम बनाया जा रहा है। द एग्री हब ने
किसानों से संपर्क करने और उन तक पहुंचने के लिए मोबाइल मैसेज का भी सहारा लिया है और करीब 7000 किसानों तक सीधे पहुंच बना ली है। ये जो भी प्लेटफॉर्म बन रहा है या जो भी हम वेबसाइट या जो भी चीज़ें हम कर रहे हैं, ये फार्मर्स को हर वो चीज़ देने के लिए है जो उनके फार्मिंग में हेल्प करती है। मान लीजिए उसको सीड चाहिए, फर्टिलाइज़र चाहिए, कुछ भी ऐसी चीज़ चाहिए जो उसको पता होनी चाहिए कि हाँ ये सीड मिलेगा या फर्टिलाइज़र मिलेगा, वो सारा इन्फॉर्मेशन उसको इस वेबसाइट से मिलती है। हर वो फार्मर जिसके पास फ़ोन है, जो कि अगर मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल नहीं कर सकता है, जिसमें सॉफ्टवेयर या फिर वेबसाइट यूज़ नहीं कर सकता, उसके लिए हम कॉल सेंटर बना रहे हैं। जिसके पास भी बस एक फ़ोन हो, सिम कार्ड हो, वो हमारे कॉल सेंटर पर फ़ोन कर सकता है। जितनी भी इन्फॉर्मेशन उसको वेबसाइट से मिलनी है, उसको हेल्प करके हमारे कॉल सेंटर वाले उनको बता सकते हैं। सारी इन्फॉर्मेशन जब उसको मिल जाएगी तो वो एक बेटर डिसीजन ले सकता है अपने खेतों के लिए कि हाँ, मैं ये सीड खरीद सकता हूँ, ये फर्टिलाइज़र खरीद सकता हूँ। तकनीक के सहारे खेतों के छोटे जोत की सीमाओं को लांघते हुए इन किसानों की कहानियाँ भारत जैसे देश में न केवल एक बड़ी प्रेरणा बन सकती हैं, बल्कि किसानों के आमदनी स्तर में सुधार करते हुए उनके जीवन स्तर को ऊपर उठाने का एक समाधान भी पेश करती हैं। इसमें रॉय जैसे उत्साही उद्यमी एक उत्प्रेरक की भूमिका निभा सकते हैं, जिन्हें सरकारी नीतियों से प्रोत्साहित करने की जरूरत है। mandi.com के लिए बंगलुरु के शिवकोटे गांव से अनिल वत्स के साथ भुवन भास्कर।